तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। सो जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है ट्रिगर्ड इंसान की ओर से। अभी ट्रिगर्ड इंसान काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि जी टीवी एंड सारे गामा पा वाले उन्हें काफी सारी स्ट्राइक्स दे रहे हैं। तो ट्रिगर्ड इंसान अपनी कम्युनिटी पोस्ट में कुछ ये लिखे, वो लिखे, ये जी टीवी सारे गामा पा वाले पीछे ही पड़ गए हैं। 8 से ज्यादा वीडियोस पर कॉपीराइट मार चुके हैं लास्ट एक वीक में, रिसेंट वीडियो पर भी मार दिया, देखकर थोड़ी रीच बढ़ा दो। एंड वो नीचे फोटो भी डाले एंड उस पर लिखे, जी टीवी वालों इस पोस्ट पर भी कॉपीराइट मार लो। इसके बाद वो अपना ईमेल बताए जिस पर काफी सारे उन्हें मेल आ चुके हैं। अगली अपडेट जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है एमसी स्टेन एंड अब्दुल रोजिक की ओर से। अब्दुल रोजिक अभी अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे एंड वो बात किए एमसी स्टेन के बारे में, तो आप देखिए उनकी वीडियो की क्लिप। एमसी स्टेन पिटाम बेबी पिटाम पिटाम बेबी आई एम कमिंग पुणे सी यू सून गाइस। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है यो हनी सिंह पाजी की ओर से। यो हनी सिंह पाजी का अभी एक इंटरव्यू आउट हुआ है जिसमें वो बात की है एमी वनटाई कृष्णा रफ्तार के बारे में, तो आप देखिए उनकी वीडियो की क्लिप। कृष्णा कृष्णा उर्ली वाले एमी वे एंटरटेनर है, रफ्तार शायर है, तलहांजुम शायर है। एंड जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है एल्विश यादव के बारे में। अभी एल्विश यादव के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि उनका व्लॉग वाला चैनल हैक हो चुका है, जिसके बारे में बताते हुए वो अपनी इंस्टा स्टोरी पे कुछ ये डाले। गाइस, मेरे पास एक बैड न्यूज़ है जो कि आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सीन क्या हुआ, कल रात की बात है भाई, मैं यहाँ पे मनीष भाई की शादी में आ रखा हूँ, तो जो अपना व्लॉग चैनल है वो हैक हो गया। मतलब मेल आईडी वगैरह मेरी सारी चीज़ चली गई, मेरे पे बस मेन चैनल बच रहा है। तो जब तक रिकवर नहीं हो जाता तो प्लीज़, मैं व्लॉग रोज डालता हूँ तो अभी भी डालूंगा, वो मेन चैनल पर आएगा अपना व्लॉग। तो जिस भाई ने मेन चैनल सब्सक्राइब कर रखा मेन चैनल सब्सक्राइब कर लो, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा दिमाग थोड़ा आउट सा हो रखा है इसलिए मेरे को जज मत करना भाई। तो जॉब से जब तक रिकवर नहीं हो जाता मेरा अकाउंट, या फिर भगवान करे जल्दी हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, तो भाई उसको अपने हिसाब से देखना। मेन चैनल पे आएगा आज वाला व्लॉग 12 बजे सेम टाइम। तो अभी और स्टोरीज देखना, उसमें मैं लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जाके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। और जितने मेरे भाई यूट्यूबर्स हैं वो सारे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि कितनी मेहनत से एक चैनल बनता है, ग्रो होता है, और उसके बाद इतनी मेहनत करके, ऑब्वियसली बात है मेहनत करके ही ग्रो होता हो। और जितने भी भाई हैं मेरे सारे मेहनत करते, जैसे मेरी तो एक तरीके से बर्बाद सा ही हो गया सब, मतलब जो मैंने इतने टाइम का इकट्ठा कर रखा था 400+ दिन से व्लॉग रेगुलर सेम टाइम पे। तो होप करता हूँ मैं आप लोग समझोगे सारी चीज़ें भाई जो आज व्लॉग आ रहा है उसमें बता रखी है मैंने। तो होप करता हूँ आप लोग साथ दोगे, 12 बजे मेन चैनल पे आएगा जो मेरा 9 मिलियन वाला चैनल है। और मैं यहाँ पे भाई मेन चैनल का लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 12 बजे व्लॉग आ जाएगा वहाँ पे। तो मेरी जितने भी व्लॉग देखने वाली ऑडियंस है, आई एम सो सॉरी व्लॉग चैनल पे नहीं आ पाएगा आज वाला, यहाँ पे जो मेरा मेन चैनल है इस पे जाके देख लेना। एक ही बात है, ये भी मेरा ही चैनल है। तो होप करता हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे, और मतलब रेगुलर जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो अब मेन चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगे जब तक मेरा ठीक नहीं हो जाता व्लॉग चैनल। और भाई जो ये कह रहा है कि भाई वीडियो शो हो रही हैं यूट्यूब पे, भाई वीडियो शो हो रही हैं, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, मतलब मेरे पास एक्सेस खत्म हो गया। और जिसने भी हैक करा है वो धीरे धीरे करके व्लॉग्स डिलीट कर रहा है, मतलब कल मैंने देखे थे 2 व्लॉग डिलीट कर दिए थे उसने। और वैसे बहुत सारे काउंट करने में मतलब मुश्किल होता है ना कि कब कौन सा डला है, तो वो भी चीज़ फिगर आउट कर रहे हैं हम लोग कि कितने डिलीट हो गए, क्या चीज़ हो रही क्या चीज़ नहीं हो रही। बाकी 12 बजे मेन चैनल पे तो आएगा ही व्लॉग। सो जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है एमी वनटाई की ओर से। टोनी जेम्स एमी वनटाई का एक गाना अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगा है जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो आप सुनिए वो गाना। एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।